पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। अनिल देशमुख की कुर्सी पर सवाल, ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया। पूर्व कमिश्नर की चिट्ठी पर मचा संग्राम, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी कोहराम, देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आरोपों के बावजूद देशमुख के बचाव में आई एनसीपी। सियासी उठापटक के बीच एनसीपी की दो टूक, नहीं होगा गृह मंत्री का इस्तीफा। अनिल देशमुख की माइक नीचे करो यार, की कोई आवश्यकता नहीं है। एंटीलिया केस से शुरू हुई महाराष्ट्र की इस सस्पेंस और थ्रिलर कहानी में जब सियासत की एंट्री हुई तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो की जांच की आज जब मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों तक पहुंची तो इस मामले में एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन वाली साजिश के तार इतने उलझे हुए हो सकते हैं। जांच में जब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे का नाम सवालों के घेरे में आया तो इसका नतीजा मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले के तौर पर सामने आया। लेकिन तबादले के कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक ऐसा लेटर बम फोड़ा जिससे महाराष्ट्र से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल आ गया। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि अनिल देशमुख ने ही सचिन बाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का टारगेट दिया था। परमवीर सिंह के इन आरोपों ने बीजेपी को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया। इस मामले में बीजेपी पहले ही सचिन बाजे के सियासी बॉस को पकड़ने की मांग करती रही है। अब परमवीर सिंह की चिट्ठी के जरिए बीजेपी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करने लगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है। और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग के साथ बीजेपी सड़कों पर उतर आई। महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर तेवर अख्तियार करने के बाद बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। शह और मात की इस जंग में निशाना पवार और उद्धव सरकार है जिसे बीजेपी सत्ता से हटाना चाहती है। बीजेपी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। उसे लग रहा था कि अगर वो देशमुख को हटाने में कामयाब हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज हुई तो इसका असर दिल्ली तक दिखने लगा। सियासी हलचल के बीच दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस से कमलनाथ शामिल हुए। शिवसेना से संजय राउत ने पवार से मुलाकात की। अजीत पवार और जयंत पाटिल भी इस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन शरद पवार के घर 3 घंटे चली बैठक के बाद एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। अनिल देशमुख की माइक नीचे करो यार, की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकल।
यानी इतना तो तय है कि फिलहाल अनिल देशमुख की कुर्सी नहीं जा रही है। अनिल देशमुख पर आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद एनसीपी उनकी कुर्सी बचाने में जुटी है। बीजेपी अनिल देशमुख के इस्तीफे पर अड़ी है और उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है और आने वाले वक्त में कुछ और सियासी दांवपेच दिखे तो कोई हैरानी नहीं होगी। महाराष्ट्र की सियासत में अनिल देशमुख की कुर्सी पर खतरा मंडराया तो महाविकास अघाड़ी के नेता दिल्ली के चक्कर लगाने लगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर तमाम नेताओं की बैठक हुई और देशमुख की कुर्सी बचाने की कवायद शुरू हो गई। जयंत पाटिल ने ऐलान किया कि देशमुख की कुर्सी महफूज है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख को संधि का लाभ देने की रणनीति अपनाई। इससे पहले क्यों नहीं लगा ये भी बता सकते सामने। दूसरी ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, उसमें 17, 18, 19 ये दो तीन दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटा कर होमवर्क को जाना होगा, तब शरद पवार देशमुख पर लगे आरोपों के बावजूद उन्हें बचाने में जुटे हैं। आखिर ऐसा करने के पीछे उनकी रणनीति क्या हो सकती है? दरअसल पवार जानते हैं कि अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ तो इसे बीजेपी अपनी जीत के तौर पर देखेगी। ऐसा होने से बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ मुहिम तेज कर सकती है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में शरद पवार ने देशमुख का बचाव करना ही मुनासिब समझा। शरद पवार देशमुख को बचाने में जुटे तो बीजेपी पवार को ही सवालों के घेरे में खड़ा करने लगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि अगर पवार सरकार का हिस्सा नहीं तो परमबीर सिंह उन्हें पैसे मांगने को लेकर जानकारी क्यों दे रहे थे? व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? शरद पवार ने माना कि परमबीर के आरोप गंभीर हैं, लेकिन परमबीर पर सवाल उठाकर उन्होंने संकेत दे दिए कि अनिल देशमुख की बलि लेकर वो उद्धव सरकार की गर्दन फंसाना नहीं चाहते। वैसे भी एंटीलिया केस को लेकर बीजेपी उद्धव को निशाने पर ले चुकी है। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे पर राज ठाकरे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं। बाहर की जो स्टेट्स है वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करें, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का, प्रशासन, सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर जिस तरह लंबी मीटिंग हुई उससे एक बात तो साफ है कि एनसीपी पर देशमुख का इस्तीफा लेने का दबाव है। वहीं बीजेपी अनिल देशमुख का विकेट गिराकर उद्धव सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी निष्पक्ष जांच के लिए देशमुख की विदाई चाहती है, लेकिन एनसीपी ने सियासी बिसात पर शायद कोई और चाल सोच रखी है।